invisible lines, which divide and redefine boundaries, are often drawn by people who've never walked along them. Or played in fields which lie alongside, growing the same crops each time seasons change. But for those who do live along these invisible lines, they become a poignant reality, leaving them to wonder where in the forest, at which tree should they stop, so as not to cross these invisible lines. हिंदुस्तान डिवाइड होगा इसके क्या रिपरकेशन होंगे क्योंकि लीडरों को भी पता नहीं था ये दो मुल्क बनेंगे और दो मुल्क बनने के बाद फिर पासपोर्ट बनेगा फिर वीजा बने ये तसव्वुर ही नहीं था कहीं आज भी मालूम नहीं लोगों को अभी तक भी दीस लाइंस आर फॉर रियल एंड अनफॉर्चूनेटली फॉर मुस्तफा इट वाज अ रियलिटी ही लर्नड द हार्ड वे आफ्टर ही वाज पुट इन प्रिजन फॉर क्रॉसिंग वन सच लाइन यहाँ से गया इधर रेस्ट किया मुझको वहाँ पे मेरी 7 दिन उन्होंने जो है रिमांड रखा है करंटी लगाए हैं लटका के मारा है ऐसे मारा है कि तुम जो जासूस हो तुम जो है आर्मी से मिलके आए हो फॉर 7 years इन पाकिस्तानी प्रिजंस ही ड्रीम्ड ऑफ बीइंग बैक होम टू सेवर वंस मोर द साइट्स स्मेल्स एंड साउंड्स ऑफ चाइल्डहुड आयरोनिकली द हार्श कॉन्फाइंस ऑफ अ पाकिस्तानी प्रिजन redefined his Indian roots for him. हम इंडियन वहाँ पे रहते थे एक कमरे में 60 बंदा हाँ हमारे कभी हमारे साथ हिंदू थे सिख थे मुसलमान भी थे दो चार ईसाई भी थे हमारे साथ लेकिन हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे लेकिन पाकिस्तानियों का हर दिन झगड़ा होना जैसे बकरे को जबा करते हैं वैसे वो एक दूसरे को मार रहे हैं तो हम ये सारी चीज़ें देख के हैरान हो गए कि हमारा हिंदुस्तान जो है वहाँ पर इतनी कौमें रहती हैं उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में कितनी शांति है कितना अमन है और ये एक ही कौम रहती है एक ही मुसलमान यहाँ पे रहते हैं तो ये आपस में इतनी नफरतें हैं 21 is the age when most young men consider themselves truly free and independent. But for Mustafa, 21 was the age when he was put into prison. A prison which physically shackled him, tore at his spirit, and compelled him to question his surroundings. Pakistan, जो है इस्लाम का किला है, तो इनमें इतनी जरा खुदा का खौफ ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, कोई रहम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर सर मैं वहाँ पे मेरा दिमाग एकदम अपसेट हो गया और मैंने जो है इस्लाम छोड़ दिया मैंने कहा मैं क्रिश्चियन बनूंगा और मैं वहाँ पे क्रिश्चियन बन गया प्रेशर से तो मैं नहीं बना हूँ लेकिन जो कुछ मैंने देखा है मुझे उस उन लोगों से इतनी नफरत हो गई है और इतना दिल बुझ गया है कि मैं अपने आप को जो है खुद मैंने देखा कि इतने मैं वो जो है मतलब एक अपने आप को मुसलमान कहलाने मैं भी मुसलमान था मुझे शर्म आ गई ये चीज़ें जो मैंने पाकिस्तान में देखी हैं मैंने नहीं देखी ये जो कश्मीर में मैंने कभी सुना भी नहीं इनके बारे में ये जो बदफेली है हम जिन्स प्रस्ती जिसको कहते हैं होमोसेक्सुअल जो है वो मैंने जाकर वहाँ जब सुना मैं हैरान रह गया कि ये दाढ़ियाँ रखे हुए लोग वो कह रहे हैं एक दूसरे को ऐसे ऐसे ऐसी वो हकीकत बात है और कत्ल इतना वहाँ पर बंदा मारना एक मामूली सी बात है वो अपने आप को बड़ा पहलवान कहलाते हैं बहुत कहते हैं कि हमने ये बंदा मार दिया इंसान मार दिया जबकि कश्मीर में ये पुरानी यहाँ मशहूर बात है कि ये कहते हैं आसमान लाल होगा तो कहीं कत्ल हो गया है यहाँ मैंने कभी कत्ल का नाम सुना ही नहीं His desperate memories cling to him, as also the misery of those who got left behind and are still languishing in jail. मैं इधर बैठा हूँ लेकिन उनके चेहरे जो हैं मेरी आंखों में घूम रहे हैं मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि वो बेचारे कोई 16 साल से पढ़ा है कोई 18 साल से पढ़ा है उनको जब पूछते हैं वो कहते हैं ये आप स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी रही तो कुछ करें तो स्टूडेंट कहता है जी आपको इंडिया गवर्नमेंट नहीं ले रही है वो उनके पास ही बाना होता है अब हमें क्या पता है कि वो झूठ बोल रहा है क्या कह रहा है लेकिन वहाँ पे इंडियन औरतें हैं उनमें से दो हमने सुना है कि वो पागल हैं दो औरतें पागल हो गई हैं Broken in body and spirit, having lived with bestiality of the worst kind, Mustafa is ever grateful to God for giving him a new life and has only one wish. सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँगा मैं तो मेरी एक और मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा यही दो मकसद मैं लेकर आया हूँ मैंने अल्लाह से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ये मुझे दूसरा जन्म मिला है Mustafa today can dare to hope and dream anew. If only all those others still languishing on the wrong side of these invisible lines could also be given another chance to hope and to dream.